दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारी बारी से लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए थे। कुछ मामले इलाज के पैसों के लिए आए थे। इस तरह मुख्यमंत्री ने 100 से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारी को निस्तारण के निर्देश दिए। जनता दरबार में पुलिस और प्रशासन की लापरवाहियों को देखकर जहां सीएम योगी गुस्से में नजर आ रहे थे, तो वहीं अपनी मां के साथ पहुंची एक छोटी बच्ची को देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्ची को देखते ही सीएम रुक गए। उन्होंने उसे प्यार और दुलार किया और उसे अपने हाथों से चॉकलेट भी दिया। इसके पूर्व सीएम योगी ने सुबह सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ का पूजन अर्चन किया, साथ ही अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेक उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री मंदिर करते हुए गोरखनाथ मंदिर स्थित महायोगी गोरखनाथ गोसेवा केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 30 मिनट का वक्त गायों संग गुजारा। उन्होंने अपने हाथों से एक एक कर गायों को चना और गुड़ खिलाया और वहां मौजूद केयर टेकर को गायों के रख रखाव के जरूरी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने अपने दोनों स्वान कालू और गुल्लू को भी दुलारा। इस अवसर पर एडीजी अखिल कुमार, कमिश्नर रवि कुमार, एनजी जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह सहित फरियादी मौजूद रहे। जितने बुजुर्ग आए हो मेरे पास, अमित तू आजा, तू भी आजा, आजा 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 आजा। संत कबीर नगर आप
कुछ बना करके उपलब्ध करवाए, क्या बात है, क्या हो गया है? क्या बात है, कहाँ से आए हैं? बिजली का बिल ज्यादा आ गया, ठीक करवाने के लिए आप लोग कहाँ से आए हैं? ओला से उसको जाती रे। हेलो हेलो रे, क्या मामला है आपका? इसको देखना, ओला का है, बैठ के समाधान करें। क्या बात है, कहाँ? ये माधोपुर गोरखपुर की बड़ी पुरस्कार में आप बताएं हैं? कौन किया है?